वहीं भिलाई इस्पात मजदूर संघ बीएमएस की बैठक। बीएसपी के कर्मचारियों के लंबित विभिन्न मुद्दों को लेकर इस्पात भवन में गुरुवार को संपन्न हुई बैठक में बीएमएस के पदाधिकारियों ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्रियों से हुई चर्चा की जानकारी यूनियन के सदस्यों को दी। भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों के हितों के लिए संघर्षरत बीएसपी की मान्यता प्राप्त यूनियन भिलाई इस्पात मजदूर संघ की बैठक गुरुवार को इस्पात भवन में संपन्न हुई। बैठक में यूनियन के सभी पदाधिकारी उपस्थित हुए। पदाधिकारियों ने बीएसपी के विभिन्न विभागों में पदस्थ कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। यूनियन के अध्यक्ष चन्ना केशवलू, महामंत्री रविशंकर सिंह ने पदाधिकारियों की बातों को गंभीरता से सुना। साथ ही अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्रियों से कर्मचारी हित में की गई चर्चा की विस्तार से जानकारी दी। बैठक की जानकारी अध्यक्ष चन्ना केशवलू और महामंत्री रविशंकर सिंह ने दी। आज जो है भिलाई इस्पात मजदूर संघ के पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। हमारा भिलाई इस्पात मजदूर संघ से दिसंबर 17 और 18 तारीख को सेलम स्टील प्लांट में जो है भारतीय इस्पात मजदूर महासंघ स्टील फेडरेशन की बैठक का आयोजन किया गया था। वहाँ पर जो है भिलाई इस्पात मजदूर संघ से हमारे कार्यकारी अध्यक्ष और महासंघ के कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय चिन्ना केशवलू जी और मैं रविशंकर सिंह, महामंत्री भिलाई इस्पात मजदूर संघ, हम दोनों वहाँ सेलम के कार्यक्रम में भाग लिए और वहाँ पे विभिन्न स्टील प्लांट के हमारे बीएमएस के सारे डेलीगेट्स आए हुए थे। वहाँ पे सभी प्लांटों के जो है समस्याओं पर जो है चर्चा हुआ और हम लोगों ने भी जो है हमारा वेज डिवीजन जो आधा अधूरा है, अभी तक जो है पूरा नहीं हुआ है, उसके विषय में वहाँ पे अपनी बात रखी। भिलाई इस्पात मजदूर संघ के हमारे आदरणीय महामंत्री, मैं स्वयं, हमारे उपाध्यक्ष श्री हरिशंकर चतुर्वेदी, डीजीएसमा जी का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पिछले माह गया था। वहाँ पर आदरणीय इस्पात मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी एवं आदरणीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी एवं वहाँ पे हमारे डायरेक्टर पर्सनल के सिंह जी से चर्चा हुई विभिन्न मुद्दों को लेके, जो सेल के कर्मचारियों का लंबे समय से लंबित है, वेज रिविजन से लेके एचआरए और लेट अलोन, ऐसे विभिन्न ट्रांसफर का भी मुद्दा था। उसमें हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया, उनको आश्वासन मिला कि 1-2 महीने के अंदर ये सारे जो भी आपने मुद्दे उठाए उसको हल करने का भरपूर प्रयास करेंगे। बैठक में मौजूद पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हम लोग भारतीय मजदूर संघ के विचारों पर काम करते हैं, क्योंकि यह संगठन राज्य स्वयं सेवक संगठन का है और हम लोग का भी संगठन पहली बार भिलाई इस्पात में मान्यता मिला है, जिसको लेके हम लोग अभी हर विभागों में बैठकें जारी रखे हैं ताकि आगे चल के भारतीय मजदूर संघ का नाम रोशन हो और छत्तीसगढ़ भारतीय मजदूर संघ और राष्ट्रीय भारतीय मजदूर संघ यहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट में मजबूत हो सके। धन्यवाद। इसमें हमारे यूनियन के प्रतिनिधि अध्यक्ष, महामंत्री जी और कार्यकारी अध्यक्ष जी के साथ पूरा अपेक्स कमेटी, डायरेक्टर इंचार्ज, ईडी वर्क्स, ईडी पेंडे से मिलकर हमने जो मांग पत्र में वादा किया था, चुनाव में मांग पत्र दिया था, उन सभी विषयों के समाधान के लिए हर स्तर पर बात को रखा है और सब जगह से आश्वासन मिला है कि सारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। हमारे सीजीएम टाउनशिप के साथ बैठक हुई। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भाई चिन्ना केशवलू, महामंत्री रवि सिंह, अध्यक्ष आईपी मिश्रा जी के नेतृत्व में, जिसमें हमने 650 स्क्वायर फीट क्वार्टर लाइसेंस पद्धति में देने की मांग की। इनसे ये कहा कि भाई जो नए लड़के आते हैं उनको भी 650 स्क्वायर फीट क्वार्टर आवंटित किया जाए और जो बीएसपी क्वार्टर की जर्जर स्थिति है उसमें टार फिल्टरिंग की आवश्यकता है। उन्होंने सीजीएम साहब ने कहा कि 5 करोड़ रुपये सेंक्शन कर दिए गए हैं, शीघ्र एक काम का टेंडर चालू हो जाएगा और उसके पश्चात जो भिलाई इस्पात संयंत्र के जो क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल हैं उनमें बीएसपी कर्मचारियों के बच्चों के लिए आधी फीस ली जानी चाहिए, जिसमें सीजीएम ने कहा कि हम इसके लिए लेटर मूव करके उच्च प्रबंधन से बात करेंगे। इन सभी विषय पर हमने चर्चा की और जिसके शीघ्र ही सार्थक नतीजे निकलेंगे। गौरतलब है कि यूनियन चुनाव जीतने के बाद से ही बीएमएस के पदाधिकारी कर्मचारी हित में संघर्षरत रहे हैं। कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा करने हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है, जिसके नतीजे भी आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।